गाइस वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी का। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना इंपॉर्टेंट सेशन होता है, और अभी संडे और होली दोनों दिन आ गए थे, तो इस वजह से हम लोग 2 दिन क्लास नहीं कर पाए। लेकिन गाइज, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, वो सभी हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमेशा की तरह 10-12 क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग लेके आया हूँ, आने वाले 15 मिनट में हम इसको कवर करेंगे। तो गाइज, आज है 30th ऑफ मार्च, तो उम्मीद करता हूँ कि आप रेगुलर रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोट ऑफ द डे के, जो कि संतोष के द्वारा भेजा गया है। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो बिल्कुल सही बात है जो कि आप संतोष ने बोली है कि मुश्किलों से कह दो हमसे ना उलझे, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर है जो कि आता है। चाहे कैसे ही अप्स एंड डाउन आए, चाहे कैसा ही वक्त आए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, हमें हर हाल में जीने का हुनर है जो कि आता है। और ये हुनर ही है दोस्तों जो कि हमें डेवलप करना पड़ता है अगर जीवन में हमेशा खुश है जो कि रहना है। तो चाहे मुश्किलें आए, चाहे अच्छा वक्त आए, चाहे बुरा वक्त आए, चाहे कोई आपको पसंद करे ना करे, कोई आपको क्रिटिसाइज करे या फिर कुछ भी करे, लेकिन हर हाल में जीने का हुनर है जो कि आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेना है, क्विज अटेम्प्ट करना है, कोई स्पेशल क्लास लेनी है, तो BHU 10 या फिर BHU 10 आप यूज कर सकते हैं। 10% ऑफ आप प्लस कोर्सेज में पा सकते हैं। SSC बैंकिंग, UPSC, PCS, डिफेंस, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों अवेलेबल है। SSC के अंदर दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो और मैं भी यहाँ पे पॉलिटी है जो कि पढ़ा रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिए। डेली सुबह 9 बजे जो है ये क्लास होती है। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। मैंने आपसे पूछा था 2-3 पहले कि एयर कियोस्क और जल ज्ञान केंद्र से मोबाइल पानी डैश कहां पे बनाया जा रहा है, कहां पे सेंटर बनाया गया है, तो वाइजैक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसरो ने फ्यूचरिस्टिक अनुसंधान कक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसंधान केंद्र के साथ में हाथ मिलाया है? तो इसरो दोस्तों क्या किया है, उन्होंने हाथ मिलाया एक रिसर्च सेंटर को लेकर, फ्यूचरिस्टिक रिसर्च ऑर्बिट को लेकर। तो यहाँ पे अगर मैं आपके आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसरो ने हाथ मिलाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में, किस लिए, फ्यूचरिस्टिक रिसर्च ऑर्बिट को लेकर। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साथ में पार्टनरशिप करके दोस्तों, US स्पेस एजेंसी, NASA, इनके साथ में मिलकर दोस्तों काम कर रहे हैं, और काफी बेनिफिट है जो कि हमारे इसरो को और बाकी हमारे स्पेस के जो भी एक्सप्लोरेशन हम लोग कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमको मिलने वाला है। ठीक है गाइस, साथ में आप इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी काम करने की कैपेसिटी होती है ना, उसको इम्प्रूव करने को लेकर। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। इसरो की बात करें तो विक्रम साराभाई फाउंडर थे, आपको मालूम है हमारे नेहरू जी ने दोस्तों उनको स्पेस के अंदर काम करने को लेकर बोला था। इसके अलावा हेडक्वार्टर बेंगलुरु में KSivan जी जो भी हेड है, KSivan जी जो इसरो का डायरेक्टर बनते हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी होते हैं। IST की शुरुआत 2007 में करी गई, चांसलर BN सुरेश है, और ददवाल जी यहाँ पे डायरेक्टर है, कि ये केरला के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों इसको किया गया है स्टार्ट। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 आई, तो वर्ल्ड को कितना मिनिमम इंस्टॉलेशन चाहिए, ओके, न्यू विंड एनर्जी पर ईयर के हिसाब से, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम डैश नई पवन ऊर्जा स्थापित करने की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। तो 280 गीगावाट की दोस्तों जरूरत है जो कि हमें पड़ेगी अगर दुनिया के अंदर क्या करना है, हमें सस्टेनेबल दोस्तों क्लाइमेट चेंज को रोक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो कि करना है। तो ये देखिए, विंड पावर का बताया है कि नेट जीरो अगर हमें कार्बन न्यूट्रलिटी करनी है, तो उसके लिए विंड एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई है, इसमें बोला गया कि 2020 जो है वो बेस्ट ईयर रहा है ग्लोबल विंड एनर्जी के लिए। 93 गीगावाट है दोस्तों जो कि हमने प्रोड्यूस करी है, 53% ज्यादा है ये पिछले साल से, और हमें दोस्तों 743 गीगावाट की जरूरत है अगर हमें 1.1 बिलियन टन ऑफ CO2 एनुअली को अवॉइड करना है तो, और 750 गीगावाट के लिए 280 गीगावाट तक हमें दोस्तों हर साल प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यानी कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, आप इसको 3 गुना बढ़ा दीजिए,
तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो काफी बेहतर है जो कि हो जाएगा। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हम लोग भी दोस्तों काफी काम कर रहे हैं। 2017-18 की अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं ना, तो हम लोग नियर बाय 32 गीगावाट के आसपास का प्रोडक्शन है जो कि कर रहे थे, समझ गए? ठीक है, तो हमने भी दोस्तों इसको 100 गीगावाट तक का टारगेट है जो कि बनाया है। और सबसे ज्यादा विंड पावर जो जनरेशन कैपेसिटी है हमारे यहाँ पे कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है गाइस। और दुनिया में हमारी कौन सी रैंक है? 4th नंबर की रैंक है अगर मैं विंड एनर्जी के बारे में बात करूं तो। ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर हम लोग 4th नंबर के ऊपर है, ठीक है। चलिए, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का शुरुआत 2005 में हुई थी। मिशन क्या है? विंड पावर को दुनिया में बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए, और यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा है ये। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, बेहतर जीवन के लिए डेटा जो हाल ही में डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दोस्तों किसके द्वारा जारी करी जाती है? तो ये किसके द्वारा? आईबीआरडी के द्वारा दोस्तों जारी करी जाती है। आपको मालूम है वर्ल्ड बैंक का मतलब होता है दो बैंक, एक तो होता है आईबीआरडी और एक होता है आईडीए। आईबीआरडी जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देने का काम करता है, और आईडीए जो लो इनकम वाले जो गरीब देश है उनको लोन देता है। लो इनकम वाले ग्रुप में आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आईबीआरडी के अंदर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना पड़ता है। हम लोग दोनों ही से ही दोस्तों लोन है जो कि ले लेते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करी गई है, 1978 में इसकी शुरुआत करी गई, और ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के द्वारा रिपोर्ट जारी करी जाती है। इसमें बताया जाता है कि लो इनकम कंट्रीज में लोग कैसे रह रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है, एनालिसिस देखते हैं इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, हर एक चीज के बारे में। ओके गाइस, ठीक है। तो 1944 में इसकी शुरुआत करी गई, वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपको मालूम है दोनों का हेडक्वार्टर है। 189 कंट्रीज मेंबर है आईबीआरडी के, और आईडीए के 173 कंट्रीज है। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये दोस्तों मोटो है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो उसको संबोधित किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्टर हमारे हर्षवर्धन जी के द्वारा ही दोस्तों किया गया है, ध्यान रखिएगा। और 2021-22 के अंदर 6 मेन पिलर है जो कि हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए बताए गए थे। ओके गाइस, तो ये जो है ना नेट हेल्थ, ये भी इसी को लेकर किया गया है। आरबीआई ने 30 जून 2021 तक सरकारी बैंकों में निकासी और जमा पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। कौन से बैंक में दोस्तों आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है रिस्ट्रिक्शन? आप ना ज्यादा पैसे निकाल सकते हो ना डिपॉजिट कर सकते हो। ये महाराष्ट्र एंड पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के अंदर दोस्तों किया गया है। आपको मालूम है इस बैंक की पहले भी हालत खराब थी, पीएमसी बैंक की, और ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस को अभी सितंबर 2019 के अंदर लगाए थे और अभी 31 मार्च को एक्सपायर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। बहुत लोगों का पैसा इसमें अटक गया। 20 पहले पहले तो 10,000 रुपये रिस्ट्रिक्शन था कि इतना ही पैसा निकाल सकते हो, फिर 20,000 हुआ, 50,000 हुआ। ओके, शाहीन 1A परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? शाहीन की बात करें तो देखो, शाहीन हुआ, आपसे चिंगेज पूछे, आपसे बाबर पूछे, ये सारे जो है ना मिसाइलें पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के द्वारा शाहीन 1A भी 900 किलोमीटर की रेंज की इसको किया गया है, ठीक है। ये पाकिस्तान का मैप है, और ये जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया वाला पार्ट में आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये अपने इंडिया का है पूरा, ठीक है। इसके अलावा इधर वाला जो है ये आपके अफगानिस्तान में आ गया। इसके ऊपर वाला जो है, इसके आगे वाला मतलब ये वाले पार्ट का, ये चाइना का पार्ट आ गया। ये तो हो गया नेबरिंग कंट्री, ये गिलगिट वाला रीजन है, गिलगिट, ठीक है। और ये भी हमारे ही पार्ट के अंदर आता है एक्चुअली, के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, पीओके के अंदर जिसको अपन लोग बोलते हैं वैसे नॉर्मली, बाकी अपना ही पार्ट है। इसके अलावा बात करें तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है, और आरिफ अलवी यहाँ पे प्रेसिडेंट है, इमरान खान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, इस्लामाबाद कैपिटल, और रुपी है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है, ठीक है। चलिए, आईयूसीएन रेड सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना गया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट को दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है थ्रेटन स्पीशीज की, उसमें अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को लिस्ट किया गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट को एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर दोस्तों डाला गया है, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फर्स्ट टाइम दो स्पीशीज जो है ना वो
उनको सेपरेटली IUCN के रेड लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। वरना क्या होता है, एलिफेंट अफ्रीकन तो दोनों को सेम में डाल देते हैं, और नॉर्मली जो एलिफेंट है वो वल्नरेबल वाली कैटेगरी के अंदर है, और 80 अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की जो है 86% आप 31 साल के अंदर उनकी तादाद जो है वो कम हो गई है। एट प्रेजेंट 4 लाख के आसपास अफ्रीकन एलिफेंट है जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट स्पीशीज की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट टू लिविंग स्पीशीज है, और कॉन्गो हो गया, वेस्ट अफ्रीका वाले एरिया में रहते हैं, बहुत अच्छी हाइट होती है, 2.4 मीटर तक की हाइट, आप सोच सकते हैं, मतलब इतनी ज्यादा लंबी जो रियल एलिफेंट देखने को मिलते हैं ना आपको, वो अफ्रीका वाले एरिया में देखते हैं देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब 2.5 मीटर तक के लंबे होना बहुत बड़ी बात है। ग्रुप 20 ग्रुप के आसपास में ये साथ में रहते हैं, मतलब ठीक है। मेगा गार्डनर ऑफ द फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है, माउंटेन के अंदर फॉरेस्ट बनाने को लेकर इनको दोस्तों बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। स्पीच अफ्रीकन एलिफेंट बताया गया, और ये सोते भी बहुत कम है, 2-3 घंटे सोते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था फन फैक्ट के अंदर, है ना, बहुत ही कम है जो कि ये सोते हैं। IUCN की बात करें तो ग्लैंड में हेडक्वार्टर है, ब्रूनो इसके CEO है और हेक्सलेस के फाउंडर, और 1948 के अंदर दोस्तों IUCN की स्थापना है, जो कि करी गई थी। काम क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेचर का कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज को, इसको लेकर ये काम है जो कि करते हैं, ठीक है गाइज। दुनिया में 1,500 के आसपास इसके मेंबर हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ओके। चलिए, और कैटेगरी के बारे में तो हमने बात कर ली शायद, है ना। कैटेगरी खैर आपको ज्यादा इतना वो देख लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप इतना ध्यान रखिए। किस शहर ने 2021 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और 26वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में विभिन्न श्रेणियों में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये किसने प्राप्त किए हैं, ये हैदराबाद ने प्राप्त किए हैं, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हैदराबाद ने 3 अवार्ड है दोस्तों जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे जीते हैं, ठीक है ठीक है। चलिए, किस किस के अंदर, एक तो स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल प्रोजेक्ट कैटेगरी में, एक न्यू म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ओके, इन सब के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जो कि जीते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की जो घोषणा है दोस्तों जो कि करी है। हैदराबाद के बारे में भी आप मुझे कुछ बताएंगे, हैदराबाद भी वैसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है यार, हुसैन सागर लेक आपको मालूम है, हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों को ट्विन सिटी के तौर पे भी जो है वो देखा जाता है ना, हुसैन सागर लेक दोनों को डिवाइड करती है, ओके। तो तेलंगाना की कैपिटल है, डी जोहर कैपिटल आंध्र प्रदेश की मानी जाती है, और डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में है हैदराबाद, है ना। और आपको यहाँ पे मुसी रिवर भी दोस्तों देखने को मिलेगी, कई बार पूछते हैं इसके बारे में, मुसी रिवर के बारे में, ठीक है गाइज। और हुसैन सागर लेक बहुत ही फेमस है यहाँ पे, फोर्थ देश के अंदर फोर्थ मोस्ट पॉपुलस सिटी भी इसको माना जाता है 2011 के सेंसस के हिसाब से दोस्तों, नियर बाय 70-80 लाख के आसपास लोग हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और इकोनॉमी भी बहुत जबरदस्त है, इकोनॉमी भी बहुत फेमस है, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका फॉर्मेशन है जो कि हुआ था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह उनके द्वारा 1591 के अंदर दोस्तों हैदराबाद की स्थापना है जो कि करी गई थी, ठीक है। इतनी बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। उस टाइम पे क्या गोलकुंडा इन्होंने फोर्टिफाइड कर रखा था, और उसके बाद में क्या हुआ था कि नियर बाय 100 साल बाद में 1687 के बाद में मुगलों ने भी दोस्तों इसको क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। मुगल गवर्नर था निजाम असफ जाह, उसने दोस्तों इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, ओके। और उसी ने दोस्तों खुद को क्या बताया था, निजाम बताया था, ओके। और उसी के बाद से असफ जाहिद जो थे ना, उन्होंने ही दोस्तों यहाँ पे रूल किया है 1948 तक, प्रिंसली स्टेट है जो कि ये हुआ करता था ब्रिटिश टाइम के ऊपर भी, और ठीक है 56 तक दोस्तों, 1948 से लेकर जब देश आजाद हो गया 56 तक भी जो है ये एक तरीके से हैदराबाद स्टेट के नाम से दोस्तों जाना जाया करता था। और आंध्र प्रदेश की जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, तब आंध्र की कैपिटल है जो कि इसको बनाया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो फिर ये दोस्तों ज्वाइंटली कैपिटल बना, और अभी वहां पे अमरावती बन गया है, तो यहाँ पे इसको हैदराबाद के तौर पर कर दिया गया है, ठीक
ठीक है, एक तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये विंटर ऑफिस भी दोस्तों यहाँ पे माना जाता है हैदराबाद के अंदर। ओके, विंटर ऑफिस। चलिए, काफी जानकारी हो चुकी है। स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप की बात करें तो ये मोदी जी ने दोस्तों बांग्लादेश के यूथ के लिए अनाउंसमेंट है जो कि किया है, तो भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, 50 साल है जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में इंडिया और बांग्लादेश के हो चुके हैं। 50 एंटरप्रेन्योर है जो कि बांग्लादेश से इंडिया में इन्वाइट करे गए स्टार्टअप इनिशिएटिव को लेकर। ओके, चलिए, बांग्लादेश का आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, ये इनकी कैपिटल है ढाका। टक्का यहाँ पे करेंसी और शेख हसीना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। पर्यटन मंत्रालय ने किस शहर में सर्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? ओके, बताइए। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो उसको खजुराहो के अंदर इनॉग्रेट है जो कि किया गया है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज और चीफ मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे? खजुराहो के अंदर। ओके गाइज, और यहाँ के बहुत ही फेमस लेजेंडरी बुंदेलखंड जो किंग थे महाराज छत्रसाल, उन्हीं के नाम पे दोस्तों इसको रखा गया है। समझ गए मेरी बात? तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और नियर बाय 51 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों स्वदेश दर्शन स्कीम जो है मोदी गवर्नमेंट जी की, उसी के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। मतलब एक्चुअली में मोटिव क्या है कि जो खजुराहो है ना, जो खजुराहो सिटी, जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि झांसी से कोई 150 से 200 किलोमीटर माने जाते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो खजुराहो को दोस्तों एक काफी बड़ी डेस्टिनेशन बनाने के लिए छत्रपाल कन्वेंशन सेंटर है जो कि यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम होगा जो टेम्पल बने हुए हैं वो सारे के सारे अपने नॉर्थ इंडिया के नागर स्टाइल जो है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे टेम्पल है जो कि बना रखे हैं। ओके, ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के जो ये टेम्पल है ना, ये 885 AD से लेकर 1050 AD के बीच में जो उस जमाने में चंदेल डायनेस्टी हुआ करती थी उनके द्वारा दोस्तों ये बनाए गए थे। ठीक है, 12th सेंचुरी के आते आते ये 85 के आसपास टेम्पल थे दोस्तों, और अभी तो मेरे ख्याल से कोई नियर बाय 25 के आसपास ही है जो कि ये रह चुके हैं। इसके अंदर सबसे फेमस है केंद्रीय महादेव टेम्पल। ओके गाइज, वो सबसे ज्यादा फेमस है जो कि इसके अंदर माना जाता है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो ये पूरा बुंदेलखंड बैगलखंड ये सब रीजन है। 56 में राज्य बना, भोपाल सबसे कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी इंदौर है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, शिवराज सिंह चौहान जी को सीएम, 230 विधानसभा, 19-29 लोकसभा, 11 राज्यसभा की सीटें हैं, और 12 सिंघा मैम्बल है, बर्ड इंडियन पैराडाइज, महसिन यहाँ पे फिश है, फ्लावर की बात करें तो व्हाइट लिली, मध्य फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे मैंगो ट्री की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको बेनियन ट्री है जो कि देखने को मिलेगा। देश के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं वो भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलते हैं। 9 नेशनल पार्क है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। समझ गए कौन कौन से हैं फेमस? एक तो आपका कान्हा हो गया, और नाम बताइए, बांधवगढ़ हो गया, ठीक है, और पन्ना हो गया, एक आपका सतपुरा हो गया, एक आपके माधव नाम से भी है यहाँ पे ना, एक संजय हो गया संजय नाम से, ठीक है, एक आपके पंच नाम से हो गया। कितने हो गए टोटल? आप लोग गिनते जाओ भाई। और कौन से है बताओ? एक फॉसिल नेशनल पार्क भी है, आपको सुना होगा। तो 3, 3, 6, 7, 8 हो गए ना, एक और बचा है, और एक और देख लेना कौन सा रह गया यहाँ पे जो मेरे से मिस हो गया मतलब एक्चुअली में। ठीक है गाइज, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, बहुत ही फेमस है वन विहार, सॉरी एक रह गया आपका वन विहार, हो गया ना 9 के 9 ये सारे। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। अगर आपको अकेडमी पे कोई भी एग्जाम के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो BHU10 या भुवनेश्वर आप लगा सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए, क्विज के लिए, स्पेशल क्लास के लिए, आज 10 बजे मेरी स्पेशल क्लास है स्टैटिक जीके की, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज करवाने वाला हूँ। ठीक है गाइज, चलिए, सारे SSC के बैचेस हैं, CGL, CHSL, MTS, GD, CPO, सारे के सारे एग्जाम की JEE क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है।
मात्र 450 रुपये पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। रैफल कोड मैंने आपको बता दिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHUT। क्वेश्चन नंबर नया, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी ने 450 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस इंसेंटिव फंड जो है वो कितने राज्यों के लिए स्टार्ट किया है जल जीवन मिशन में, ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर तो खैर यहाँ पे काफी बच्चे देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है बता दो भाई। ओके, जल जीवन मिशन में कितने का इंसेंटिव और कितने राज्यों के लिए परफॉर्मेंस इंसेंटिव फंड है जो कि जारी किया है। तो मिलते हैं वापस से 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।